एक लंबे समय पहले एक गांव में अभिनय और अरविंद नामक दो दोस्त रहते थे। अभिनय बहुत लालची था और हमेशा सब कुछ उसके ही इच्छा के अनुसार हो ऐसे सोचता था। अरविंद बहुत अच्छा इंसान था, वो स्थितियों के अनुसार व्यवहार करता था। अभिनय और अरविंद दोनों साथ में प्याज का व्यापार करते थे। जो प्याज वो बेचते थे उनको वो प्याज की खेती करने वाले किसान से कम पैसे देकर ज्यादा मात्रा में खरीद के दाम बढ़ा के बेचते थे। प्याज, ताजा ताजा प्याज ले लो भाई, ले लो, ऐसे जोर से चिल्ला के अभिनय और अरविंद प्याज बेच रहे थे। जब एक आदमी प्याज खरीदने उनके दुकान आता है। एक किलो प्याज कितना है बाबू? 50 रुपए भाई साहब। अरे, प्याज का दाम बढ़ गया क्या? हाँ जी बढ़ गया। मैं 5 किलो प्याज लूंगा, 40 में दे दोगे? ठीक है लीजिए। ये क्या बात हुई अरविंद, तुमने 40 रुपए में हाँ कह दिया? तुम कुछ नहीं जानते हो, मैं बात करता हूँ, रुको। भाई साहब आप 10 भी किलो ले लेंगे तो भी 40 रुपए के दाम पे प्याज नहीं बेचेंगे हम, हमारा नुकसान होगा। अब आपकी मर्जी। अभिनय के कठोर तरीके से बात करने के कारण वो आदमी वहां से चला जाता है। अरे अभिनय, हमारे पैसे तो हमें मिल रहे थे ना, तो तुमने उस आदमी से ऐसे क्यों बात किया? अगर एक आदमी को इतने दाम पे बेच दिए तो उसे देख एक के बाद एक हमारे पास इसी दाम से खरीदने आएंगे। हमें खरीदे हुए पैसों से ज्यादा दाम के लिए बेचना होगा, वरना हमारा नुकसान होगा। कल देखना वही आदमी हमारे पास आएगा इसी दाम से खरीदने, तुम ज्यादा मत सोचो। अभिनय के बातें सुनकर अरविंद कुछ नहीं कहता है और अगले दिन अभिनय के बात के अनुसार वो आदमी लौट के दुकान आता है प्याज खरीदने। ठीक है, तुम्हारे ही दाम पे 5 किलो के प्याज दे दो। और अभिनय प्याज दे के पैसे लेता है। देखा तुमने अरविंद, अगर कल हमने 40 के दाम पे बेचा होता तो 50 रुपयों का नुकसान होता। अभिनय, हमेशा ऐसे जिद्दी होना अच्छा नहीं है, हमें परिस्थितियों के अनुसार चलना होगा, वरना बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। है, तुम्हारे कहे के प्रकार करेंगे तो सिर्फ नुकसान मिलेगा। अरविंद अपने दोस्त के खिलाफ ना जाने के इरादे से उसे कुछ नहीं कह पाता है। दुकान में प्याज कम होने के कारण अगले दिन दोनों प्याज खरीदने जाते हैं। अरविंद, इस बार हमने प्याज को ज्यादा दाम पे खरीदा है, इसलिए हमें इनको ज्यादा दाम पे बेचना होगा। ठीक है अभिनय। ऐसे प्याज को ध्यान से बेचने लगते हैं। प्याज को खरीदने के एक दिन बाद उनका दाम बहुत गिर जाता है और ये बात अरविंद को हर रोज की तरह अखबार पढ़ने के कारण अभिनय से पहले पता चलता है। मुझे ये बात तुरंत अभिनय को बताना चाहिए, वरना वो सबको दाम बढ़ा के बताएगा और प्याज नहीं बिकेंगे। और ऐसे अभिनय को बताने जाता है। अभिनय, अभिनय, क्या हुआ अरविंद, क्यों इतना जोर से चिल्ला रहे हो? प्याज का दाम बहुत घट गया, अब तुम दुकान पे आए हुए लोगों को ज्यादा दाम बोल के वापस मत भेजो, बाद में हम ही लोगों को पछताना होगा। क्या तुमने इसीलिए इतने जोर से चिल्लाया? इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ दिनों में दाम वापस बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, हमें सबसे पहले किसानों के पास जाके सारे प्याज खरीद लेना होगा, ताकि गांव में किसी और के पास बेचने के लिए प्याज ही ना हो। दाम बढ़ने तक हम प्याज को छुपा लेंगे। मगर अभिनय, अगर हम तब तक इंतजार करेंगे तो प्याज खराब हो जाएगा ना, उसके बाद हम ही पछताएंगे और अब जितना पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरविंद, तुम ऐसे क्यों सोचते हो? मेरे सोच के अनुसार करेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, इस बार के लिए मेरी बात सुनो बस। ठीक है अभिनय, तुम्हारी मर्जी। और अरविंद अपने दोस्त के मनाने पर प्याज ना बेच के ऐसे ही रखता है और इंतजार करता है कि कब दाम बढ़ेंगे। ऐसे बहुत दिनों के बाद अभिनय को पता चलता है कि प्याज के दाम बढ़ गए हैं और दोनों प्याज बेचने निकलते हैं। दुकान को जाके
निधानी से प्याज नीचे लाके 1 किलो को 300 रुपए में बेचना शुरू करते हैं। गांव में कहीं और प्याज न मिलने पर दाम का बढ़ना लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। लोगों को प्याज की जरूरत है और कोई चारा ना होने पर वो 1 किलो के 300 रुपए दे के खरीदते हैं। इसके कारण अभिनय और अरविंद के व्यापार में बहुत लाभ होता है। इससे अभिनय का लालच अधिक हो जाता है, वो अरविंद की बात बिल्कुल नहीं सुनता है और इस अभ्यास को नियमित करता है। लाभ के लालच में अभिनय अरविंद के बातों को नजरअंदाज करके गांव के सारे प्याज को खरीद के दाम के बढ़ने का इंतजार करके तब तक प्याज को छुपा के उन्हें बहुत महंगे दाम पे बेचना आदत बना लिया था। ऐसी समय में एक बार प्याज के दाम बढ़ने का इंतजार दिनों से महीनों में बदलना शुरू हो जाता है। प्याज को निधानी पे रखे बहुत दिन हो जाते हैं। अरविंद को दुकान में से बदबू आती है। जब वो जाके निधानी जांचता है तो देखता है कि सारे प्याज सड़ जाते हैं। अरविंद तुरंत अभिनय को बुला के उसे सड़ी हुई प्याज दिखाता है। नुकसान पाकर अभिनय को उसकी गलती का एहसास होता है। उसकी लालच और स्वार्थ के कारण नुकसान होना और अरविंद की बात ना मानना उसे बहुत दुख करता है। अरविंद, ये सब मेरे लालच के कारण ही हुआ है, मुझे माफ करो। हमेशा तुम्हारी ही इच्छा के अनुसार सब कुछ होना चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। कम से कम अब समझो कि परिस्थितियों के अनुसार चलना ही अच्छा है। हाँ अरविंद, हमें पता नहीं कि कब हमारी स्थिति बदलेगी, इसीलिए उनके ही अनुसार चलना भला है। अगर तुम्हारी बात सुनी होती तो आज हमारा नुकसान नहीं होता। मुझे लालची नहीं होना था, अब आगे ऐसे कभी नहीं होगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मुझे सिर्फ इतना काफी है। जो हो गया सो हो गया, अब से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है अरविंद। और तब से दोनों बिना कोई लालच के ध्यान से अपना व्यापार चलाते हैं और खुश रहते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? सब कुछ हमारे इच्छा के अनुसार चलाने का जिद करना अच्छा नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार अपना व्यवहार बदलना चाहिए।